Hi friends, myself Javed Nabi. Currently, I am working as a planning engineer under Ircon International Limited. आज हम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बार बेंडिंग शेड्यूल ऑफ कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम का हम कैसे बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम कंटिन्यूअस बीम की ड्राइंग को रीड करते हैं, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाया करो। आपको यहाँ पे तीन पॉइंट्स याद रखने हैं जब भी आप बीम के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेट करोगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है, आपके पास प्लान होना चाहिए। प्लान का क्या मतलब है सर, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक प्लान है, प्लान एट प्लिथ बीम। अगर आप प्लिथ बीम के लिए कैलकुलेशन करते हो तो प्लिथ बीम का प्लान आपको ड्राइंग पे गिवन होगा। अगर आप फर्स्ट फ्लोर बीम के लिए कैलकुलेशन करते हो तो फर्स्ट फ्लोर बीम प्लान आपको गिवन होगा। जिस भी बीम के लिए आप कैलकुलेशन करोगे, जो प्रोसीजर फॉलो होता है सेम होता है, ड्राइंग रीड करने का जो तरीका होता है वो भी सेम होता है, बार बेंडिंग शेड्यूल निकालने का जो तरीका होता है वो भी सेम होता है। अगर आज आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करोगे तो किसी भी बीम की ड्राइंग और किसी भी बीम का बार बेंडिंग शेड्यूल आप कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होना चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ बीम, यहां पे आप देख सकते हो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बीम का है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के साथ साथ आपके पास होना चाहिए क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। यहां पे आप देख सकते हो हमारे पास बीम का क्रॉस सेक्शन भी है। क्या क्या आ गया आपके पास, प्लान आपके पास होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपके पास होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन आपके बीम का होना चाहिए, और लास्ट पॉइंट आपके पास क्या होना चाहिए, कॉलम लेआउट प्लान, कॉलम लेआउट प्लान। ये चारों चीजें आपको ड्राइंग पे गिवन रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें कॉलम लेआउट प्लान भी दिया हुआ है। आई होप यहाँ तक पूरा आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं ड्राइंग को रीड करते हैं। अब हम यहाँ पे ड्राइंग को रीड करेंगे, प्लीज ध्यान से समझना। जब भी आपको बीम के लिए कैलकुलेशन करनी होगी, सबसे पहले आपको बीम का क्रॉस सेक्शन रीड करना है। हम भी यहाँ पे बीम के क्रॉस सेक्शन को रीड करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को इजिली विजिबल हो। यहाँ पे क्या लिखा गया है पहले हम उसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 250, यानी विड्थ ऑफ बीम इज 250 एंड डेप्थ ऑफ बीम इज 600। यहाँ पे लिखा गया है 2-25 ALTH, यानी ऑल थ्रो। क्या बोला गया है, जो आपका बीम है उसके टॉप में आपको टू नंबर ऑफ बार्स डालने हैं ऑल थ्रो, जहां से आपका बीम स्टार्ट होता है, जहां पे आपका बीम एंड होता है, वहां से लेके वहां तक आपको बीम के ऑल थ्रू रेनफोर्स में डालना है टू नंबर ऑफ बार्स, जिनका डायमीटर 20 mm होना चाहिए। उसके बाद क्या बोला यहाँ पे, 2-16 EXT, टू नंबर ऑफ बार्स आपको डालने हैं, जो आपने टॉप में बार डाला है उसके नीचे आपको टू नंबर ऑफ बार्स डालने हैं, जिनका डायमीटर 16 mm होना चाहिए। ये आपको एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट देना है। ये आपको कहां तक डालना है वो हम अभी देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में, अभी आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा गया है, 1-12 फेस बार ऑन ईच फेस। क्या बोला गया है, जो बीम का सेंटर है वहां पे आपको टू बार्स डालने हैं, एक इस साइड दूसरा इस साइड, इसका जो डायमीटर होना चाहिए 12 mm होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं साइड फेस रेनफोर्समेंट। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखा गया है 852L एट द रेट 125 सेंटर टू सेंटर। 8 mm डायमीटर का आपको स्टीरअप यूज करना है, टू लेगर स्टीरअप, यानी जो हम स्टीरअप बीम के केस में यूज करते हैं कुछ इस तरीके से हम करते हैं, इसको हम बोलते हैं टू लेगर स्टीरअप। एट द रेट जो स्टीरअप का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होना चाहिए वो 125 mm सेंटर टू सेंटर होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में भी गिवन होती है, उसको हम अभी रीड करेंगे। उसके बाद क्या बोला गया है, जो बॉटम ऑफ बीम है वहां पे भी आपको टू नंबर ऑफ बार्स डालने हैं, लेकिन वो जो बार्स है उनका डायमीटर होना चाहिए 20 mm। आई होप यहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे रीड करते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को। अब हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन को रीड करेंगे, प्लीज ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं इसको जूम कर लेता हूं ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाइए। यहाँ पे लिखा गया है LD टाइप। LD टाइप का क्या मतलब है, यहां से लेके पूरा यहां तक ये जो रेनफोर्समेंट की लेंथ है ये है LD, जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। जनरली बीम के केस में ये 50D होता है, डी इज डायमीटर ऑफ बार। उसके बाद क्या बोला गया है, 2-25 ऑल थ्रू। अभी हमने क्रॉस सेक्शन में भी देखा था बीम के अंदर हमें टू नंबर ऑफ बार्स ऑल थ्रू डालने हैं, यानी जहां से बीम हमारा स्टार्ट होता है, जहां पर बीम हमारा एंड होता है, वहां से वहां तक हमें टू नंबर ऑफ बार्स ऑल थ्रू डालने हैं। आप यहां पे देख भी सकते हो, इस साइड से भी लिखा गया है टू नंबर ऑफ बार्स डालने हैं, ये वाले बार्स। उसके बाद हम यहां पे आते हैं, यहां पे क्या लिखा गया है, यहां पे लिखा गया है 2-25 एक्स्ट्रा। सपोर्ट पे हमें टू बार्स एक्स्ट्रा डालने हैं टॉप में,
ये जो मेन बार हमारा जा रहा है सीधे, इसके नीचे हमें टू नंबर ऑफ बार्स यहां पे डालने हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा। कहां तक डालने हैं? कॉलम के सेंटर से लेके 1000 mm यानी 1 मीटर तक हमें एक्स्ट्रा टू बार्स डालने हैं, क्रॉस सेक्शन में अभी हमने देख लिया है। अब हम आते हैं सेकंड कॉलम पे। सेकंड कॉलम पे क्या करना है आपको, बीम के अंदर आपको टू बार्स एक्स्ट्रा डालने हैं जिनका डायमीटर 16 mm होना चाहिए। कुछ इस तरीके से आपको ये टू बार्स डालने हैं। कितनी लेंथ होगी उन टू बार्स की, वो हम कैलकुलेट भी करेंगे और ऐसे भी हम देखेंगे। हमें क्या करना है, कॉलम से 1275 mm जाना है कॉलम के सेंटर से, और इसी तरीके से इस साइड भी आपको 1200 mm जाना है कॉलम के सेंटर से। दोनों को हम ऐड करेंगे, हमारे पास ये कटिंग लेंथ आ जाएगी जो हमें सेकंड कॉलम पे डालनी है बीम के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं थर्ड कॉलम पे, क्या लिखा गया है, 1275 + 1775, दोनों को प्लस करोगे यहां से लेके यहां तक आपके पास टोटल कटिंग लेंथ आएगी। ये आपको कॉलम थर्ड पे डालनी है, कितने नंबर ऑफ बार्स, टू नंबर ऑफ बार्स, और जिनका डायमीटर 16 mm होना चाहिए। इसी तरीके से हम कॉलम फोर पे आते हैं। कॉलम फोर पे आपको क्या करना है, टू नंबर ऑफ बार्स डालने हैं 20 mm डायमीटर के। यहाँ पे हम डाल रहे थे 16 mm डायमीटर के, यहाँ पे आपको डालना है 20 mm डायमीटर का। ये आपको ख्याल रखना है। लेंथ कितनी होगी, 1775 + 1200, टोटल लेंथ आपके पास आ जाएगी, टू नंबर ऑफ बार्स आपको कुछ इस तरीके से डालने हैं। और आपको यहाँ पे याद रखना है, ये जो कॉलम का सेंटर है इस साइड आपको खाली 1200 यानी 1200 mm जाना है। इस साइड आपकी जो लेंथ होगी बार की वो होगी 1775 यानी इस साइड आपको ज्यादा लेंथ डालनी है। उसके बाद हम आते हैं जंक्शन पे, इस वाले जंक्शन पे। यहाँ पे भी लिखा गया है कॉलम के फेस से लेके ये जो रेनफोर्समेंट है इसको हम बोलते हैं एलडी, जिसका 50 डी वैल्यू होता है बीम के केस में। जनरली ये वैल्यू आपको ड्राइंग पे भी गिवन रहता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस ग्रिड लाइन से, ये जो ग्रिड लाइन है उससे आपको 1000 mm यानी 1 मीटर स्टील रेनफोर्समेंट इधर डालना है। कितना डायमीटर होना चाहिए, 20 mm का होना चाहिए। कितने बार्स डालने हैं, टू बार्स आपको यहाँ पे डालने हैं। ये हो गया ऑल डिटेल्स अबाउट टॉप रेनफोर्समेंट ऑफ कंटिन्यूअस बीम। अब हम देखेंगे बॉटम में कितना रेनफोर्स हमें देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो बॉटम में हमें खाली टू नंबर ऑफ बार्स ऑल थ्रू देने हैं और कुछ नहीं देना है। कुछ इस तरीके से ऑल थ्रू टू नंबर ऑफ बार्स जाएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो टू नंबर ऑफ बार्स यहाँ से कंटिन्यू यहाँ तक आ रहे हैं। यहाँ पे भी लिखा गया है 2-25 यानी 20 mm का डायमीटर का टू बार आपको यहाँ पे डालने हैं। अब हम यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं, इसका क्या कहना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलम के फेस से आपको आना है कितना, 1125 mm तक। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 8 mm डायमीटर का रेक्टेंगुलर स्टीरअप यूज करना है, जिनकी स्पेसिंग होनी चाहिए 125 सेंटर टू सेंटर। इसी तरीके से आपको इस कॉलम से आना है 1125 mm तक, यहाँ पे भी आपको स्पेसिंग रखनी है स्टीरअप्स की 125 सेंटर टू सेंटर, यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद जो आपके पास ये बीच वाला पोर्शन बचता है, इसके अंदर जो स्टीरअप्स की स्पेसिंग रखनी है आपको, वो रखनी है 200 mm सेंटर टू सेंटर, यहाँ पे लिखा गया है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हो इस वाले डिस्टेंस में आपको स्पेसिंग ज्यादा रखनी है, 200 mm यानी 200 mm सेंटर टू सेंटर रेक्टेंगुलर स्टीरअप जो हम बीएम के केस में यूज करते हैं। नियर द कॉलम आपको स्पेसिंग कम रखनी है। आपको मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हम सपोर्ट्स पे एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट क्यों देते हैं बीएम में, आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास एक बीम है कंटिन्यूअस बीम, सपोर्ट पे हमने एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट डाला है। क्यों डाला है, जब हम बीम पे लोड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, बीम हमारा कुछ इस तरीके से बेंड होने की कोशिश करता है, लेकिन सपोर्ट्स पे ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट शो करता है, ये सपोर्ट्स पे ऊपर उठने की कोशिश करता है। इस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रेसिस्ट करने के लिए हम यहाँ पे स्टील रेनफोर्समेंट एक्स्ट्रा डालते हैं, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए। आई होप यहां तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे 3D विजुअलाइजेशन देखेंगे कि बीम के अंदर हमें स्टील रेनफोर्समेंट को कैसे प्लेस करना है। उसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं। ऑटोकैड की हेल्प से मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि बीम के अंदर हमें स्टील रेनफोर्समेंट को किस तरीके से प्लेस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास कॉलम्स है 1, 2, 3, 4, 5, अभी हमने ड्राइंग पे भी देखा है 5 नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास है, और इन 5 नंबर ऑफ कॉलम्स को कनेक्ट करता है एक बीम। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक बीम बनाया है, इसके अंदर मैंने खाली स्टील रेनफोर्समेंट रखा है, और यहाँ पे मैंने जो हमारे रेक्टेंगुलर स्टीरअप्स होते हैं वो मैंने यहाँ पे शो नहीं किए हैं, क्योंकि आपको भी पता है बीम के अंदर हम रेक्टेंगुलर स्टीरअप्स कैसे प्लेस करते हैं। यहाँ पे मैंने खाली स्टील रेनफोर्समेंट दिखाया है, जो हमारा मेन स्टील रेनफोर्समेंट है और एक्स्ट्रा स्टील रेनफोर्समेंट है। यहाँ पे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को इजिली समझ में आए। एक बार हमारा कुछ इस तरीके से टॉप में जाता है जो ऑल थ्रू रेनफोर्समेंट है, हमारा आगे ऐसे जा रहा है, कंटिन्यू कर रहा है यहां तक। इसी तरीके से यहां से हमारा एक रेनफोर्समेंट आ रहा है,
टू नंबर ऑफ बार्स हमें टॉप में डालने हैं, यहाँ पे आपको विजिबल भी होगा, टू नंबर ऑफ बार्स हमने टॉप में डाले हैं। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट सपोर्ट पे डालना है टू नंबर ऑफ बार्स। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बार मैंने यहाँ पे पिंक कलर से शो किया है, ऐसे मैंने एक बार यहाँ पे डाला है एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट, इसी तरीके से इस साइड से भी एक और बार एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, आपको विजिबल भी होगा। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो आपका मेन रेनफोर्समेंट है, मेन रेनफोर्समेंट के नीचे यहाँ पे ये छोटे छोटे स्टील के पीसेस डालने हैं आपको, जिनको हम बोलते हैं स्पेसर बार, साइट के लैंग्वेज में हम इसको गुला बोलते हैं। इसका जो डायमीटर होना चाहिए वो 20 mm से ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा कंक्रीट होता है, एग्रीगेट जो साइज होता है कंक्रीट के अंदर, मैक्सिमम हम 20 mm रखते हैं, वो 20 mm का एग्रीगेट इसके अंदर फंस ना जाए, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका डायमीटर, ये जो आपका बार है यहाँ पे छोटा वाला जो आपको दिख रहा है, ऐसे मैंने डाला है, दोनों बारों के बीच में मैंने ये जो स्पेसर डाला है, इसका जो डायमीटर होना चाहिए जनरली 25 mm हम लेते हैं, ये आपको याद रखना है, नहीं तो यहाँ पे आपका एग्रीगेट फंस जाएगा। उसके बाद ये जो मेन बार आपका जा रहा है, इसके नीचे आपने यहाँ पे क्या करना है, एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट बार डालनी है। इसी तरीके से यहाँ दूसरे कॉलम पे हम आते हैं, मेन बार हमारा डायरेक्ट जा रहा है, ऑल थ्रू बार है, उसके नीचे हमें स्पेसर डालने हैं और उसके नीचे हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बार डालना है, इस साइड एक्स्ट्रा बार, इस साइड एक्स्ट्रा बार, यानी टू एक्स्ट्रा बार यहाँ पे डालने हैं। डायमीटर अभी आपने ड्राइंग पे देख लिया है। इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारा कॉलम थर्ड है, थर्ड कॉलम पे अभी सेम प्रोसीजर करना है, कॉलम फोर पे भी सेम प्रोसीजर करना है, और इस साइड ये जो हमारा लास्ट कॉलम है, यहाँ पे एंड पॉइंट है हमारे बीम का, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से एक्स्ट्रा बार डालनी है, इस तरीके से यहाँ पे एक्स्ट्रा बार डालनी है। ये तो मेन बार आ ही रहा है जो ऑल थ्रू बार्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो बॉटम में हमारे पास टू बार्स है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ऑल थ्रू टू बार्स है। आई होप आपने अच्छे तरीके से देखा होगा कि साइट पे हम किस तरीके से ड्राइंग को एग्जीक्यूट करवाएंगे और किस तरीके से हम बीम के अंदर रेनफोर्समेंट डालेंगे। अब हम यहां से चलते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे, अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, प्लीज ध्यान से समझना। यहाँ पे हमारा जो बीम है वो है प्लिथ बीम वन, यहाँ पे आप देख सकते हो पीबी वन, पहले हम यहाँ पे बीम प्लान में देखेंगे कि पीबी वन हमारा कहाँ पे है। यहाँ पे आपको विजिबल होगा जो हमारा बीम है वो यहाँ पे है, पीबी वन बीम यहाँ पे लिखा गया है, पीबी वन बीम, यानी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक हमारा बीम जो है वो है पीबी वन, ये बीम है हमारे पास, इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो पीबी थ्री बीम भी है, प्लिथ बीम थ्री बीम भी है, इसके लिए भी आप सेम कैलकुलेशन करोगे जिस तरीके से मैं इसके लिए कैलकुलेशन करोगे, इसी तरीके से आप पीबी ट्वेल्व, ये बीम का नाम है, सेक्शन दिया होता है पीबी ट्वेल्व, यहां से लेके यहां तक आपका प्लिथ बीम ट्वेल्व है, सेम कैलकुलेशन रहने वाली है जिस तरीके से हम इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। सेटअप फर्स्ट कैलकुलेट टोटल लेंथ ऑफ बीम, टोटल लेंथ बीम की आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिस तरीके से मैं कैलकुलेशन करूंगा यही सेम प्रोसीजर आपको भी फॉलो करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो पाए। टोटल लेंथ ऑफ बीम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था जो हमारा बीम प्लान होता है और जो हमारा कॉलम लेआउट प्लान होता है वो हमें हेल्प करता है टोटल लेंथ कैलकुलेट करने में, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपके पास बीम प्लान होना चाहिए और कॉलम लेआउट प्लान मस्ट होना चाहिए आपके पास, ये आपको ड्राइंग पे गिवन रहता है। वन से टू तक हम डिस्टेंस देखेंगे, टू से थ्री की डिस्टेंस देखेंगे, थ्री से फोर हम डिस्टेंस देखेंगे, फोर से फाइव हम डिस्टेंस देखेंगे, सभी डिस्टेंसेस को हम ऐड करेंगे। ये डिस्टेंस हमें कहां से मिलेगी, ये हमें मिलेगी यहां से जो हमारे पास प्लान है, यहां पे आप देख सकते हो वन टू टू डिस्टेंस आपको गिवन है, यहाँ पे 3970, टू टू थ्री इज 4170, थ्री टू फोर इज 5860 एंड फोर टू फाइव इज 3990, 5 to 6 आपको नहीं जाना है क्योंकि जो हमारा बीम है यहाँ पे वो 1 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे हमारा 5 पे खत्म होता है, इसलिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल स्पेसिंग निकालेंगे। लेकिन ये जो आपका बीम है अगर आप यहाँ पे देखोगे ये आपके 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन आपको ये वाली स्पेसिंग भी तो चाहिए, ये वाली स्पेसिंग आपने 1 से स्टार्ट किया है, ये वाली स्पेसिंग कितनी है वो भी आपको चाहिए, और इसी तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इस साइड पे 5 तक तो आप आ गए हैं लेकिन जो हमारा बीम है वो यहाँ तक है, ये जो स्पेसिंग है ये भी हमें चाहिए। ये स्पेसिंग निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कॉलम लेआउट प्लान की, वहां पे ये स्पेसिंग हमें मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कॉलम लेआउट प्लान, आपको यहाँ पे इजिली विजिबल होगा कॉलम लेआउट प्लान हमारे पास है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा कॉलम है ये C3 कॉलम है, C3 कॉलम के ये जो ग्रिड लाइन है ये बिल्कुल सेंटर से पास कर रही है, यानी जो हमारे कॉलम का साइज होगा, फॉर योर इंफॉर्मेशन ये जो हमारे कॉलम का साइज है ये है 350, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये जो कॉलम लेआउट प्लान है वहां पे इसका साइज 350 दिया हुआ है, यानी यहां से लेके यहां तक ये 175 होगा, 350 डिवाइडेड बाय 2 इज 175। इसी तरीके से यहां से हम देखेंगे, यहां पे आप देख लोगे ये जो पार्ट है हमारा ये है 75, यहां पे डायरेक्ट लिखा गया है, यहां से यहां तक
275 है यहाँ से यहाँ तक, 275 है, लेकिन 275 हमें चाहिए नहीं क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ 5 पे पहुंच गए हैं, हमें थोड़ा सा ये वाला हिस्सा चाहिए जो 75 mm है। अब हम इनको प्लस करते हैं, देखते हैं हमारे बीम की टोटल लेंथ कितनी होगी। 3970 दिस वन प्लस 4170 प्लस 5860 प्लस 3990 यहां से लेके यहां तक 5 तक। उसके बाद हमें ये वाला पार्ट भी चाहिए प्लस 175, हमने अभी कॉलम लेआउट प्लान पे देखा है, दिस साइड इज 75, ये हमने अभी कॉलम लेआउट प्लान पे देखा है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं वैल्यू कितना आता है। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 18240। ये आपने टोटल लेंथ निकाली है बीएम की। अब हम चलते हैं सेटअप सेकंड पे। सेटअप सेकंड कैलकुलेट क्लियर स्पैन 1 to 5। क्या हम कैलकुलेट करेंगे, यहां से कॉलम को छोड़ के यहां से लेके पूरा यहां तक हम कैलकुलेट करेंगे ये लेंथ, यानी दोनों साइड से कॉलम को छोड़ देंगे हम, ये लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल लेंथ हमारे पास आ गई है टोटल लेंथ माइनस कॉलम साइज, कॉलम साइज बोथ साइड, बोथ साइड, यहां से भी हम कॉलम माइनस करेंगे, यहां से भी और यहां से भी। हमने अभी टोटल लेंथ निकाली है 18240 माइनस कॉलम साइज जो है इस साइड 350 mm है, इस साइड 350 mm है, टोटल 700 mm है। इसको कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू आएगा 17540 mm, ये वैल्यू हमने निकाला है। अब हम यहां पे सेटअप थर्ड में आते हैं, सेटअप थर्ड पे हम कैलकुलेट करेंगे जो हमें बार ऑल थ्रू डालनी है। सेटअप थर्ड कटिंग लेंथ ऑफ ऑल थ्रू बार्स, जो हमें बीम में ऑल थ्रू बार्स डालने हैं, बॉटम में 2 बार्स डालने हैं, टॉप में 2 बार्स डालने हैं, उनकी हमें कटिंग लेंथ यहाँ पे निकालनी है। कैसे हम कटिंग लेंथ निकालेंगे यहाँ पे समझते हैं, पहले मैं इसको रब कर लेता हूँ। क्लियर स्पैन हमने निकाला है यहां से लेके पूरा यहां तक हमारे पास क्लियर स्पैन है कॉलम टू कॉलम। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइड से डेवलपमेंट लेंथ ऐड करेंगे, इस साइड से डेवलपमेंट लेंथ ऐड करेंगे, क्लियर स्पैन में हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी। वही मैं यहाँ पे करूंगा CL, यानी कटिंग लेंथ 17540 हमने अभी अभी निकाला है, प्लस ट्वाइस LD, LD इज डेवलपमेंट लेंथ, दोनों साइड से ये हमारे पास बीम है यहां से लेके यहां तक, ये जो हमारे पास कॉलम्स है दोनों साइड, यहां से लेके यहां तक हमारे पास क्लियर स्पैन है, और यहां से लेके यहां तक हमारे पास LD है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, कटिंग लेंथ 17540 प्लस ट्वाइस LD, LD होता है 50D, यहाँ पे मैं लिखूंगा LD इक्वल्स टू 50D, यहाँ पे हम 50 डालेंगे, 50 इनटू D, D है डायमीटर ऑफ बार, वो है हमारे पास 20 mm, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे 17540 प्लस 20 इंटू 50 इंटू 2 इज 2000, इसको हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ये आएगा हमारे पास 19540। लेकिन आपको यहाँ पे पॉइंट याद रखना है, यहाँ पे हमने बेंड डिडक्शन नहीं किया है। अब हम यहाँ पे बेंड डिडक्ट करते हैं, बेंड हमारे पास कितने हैं 2, एक इस साइड रहेगा दूसरा इस साइड रहेगा, क्योंकि हमें कुछ इस तरीके का बार डालना है बॉटम में और इस तरीके का बार डालना है टॉप में, 2 बेंड्स है। तो 2 बेंड्स के लिए हम कैसे डिडक्शन करते हैं, 2 नंबर ऑफ बेंड्स, हमारा जो बेंड एंगल है वो है 90 डिग्री, 90 डिग्री के लिए हम 2D माइनस करते हैं, डी इज डायमीटर ऑफ बार, दैट इज 20 mm, ये जो वैल्यू आता है ये आता है 80 mm। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास कटिंग लेंथ आएगी वो आएगी 19540 माइनस 80, ये वैल्यू आपके पास आता है 19460 mm, यानी आपके पास अगर 19460 mm का बार होगा, आप इजिली इस शेप में आपको कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप बीम के अंदर यूज करोगे, टॉप में ऐसे और बॉटम में इस तरीके से। लेकिन आप यहाँ पे पूछोगे सर जो मार्केट में बार आता है वो तो 12 mm का ही होता है, अब हमें क्या करना है, आपको क्या करना है वो समझते हैं। आपको क्या करना है, 12 mm का आपने सीधा बार ले लिया है, 12 mm का आपको कितना चाहिए, 19460 mm। अब आपको क्या करना है, 19460 mm में से आपको माइनस करना है 12 मीटर, 12 मीटर आपने माइनस किया, जब आप 19460 में से 12000 माइनस करोगे ये आपके पास आएगा 7460 mm, यानी आपको 12 मीटर के साथ साथ 7460 mm का एक और राड यहां पे जोड़ना है। लेकिन याद रखना है आपको यहां पे लैप प्रोवाइड करना है, ये जो लैप है ये 50D होना चाहिए, ये वाला जो बार आप काटोगे वो आप 7460 ही नहीं काटोगे, इसमें आप ऐड करोगे 50D, क्योंकि आपको लैप भी तो देना है, 12 मीटर का तो आपने बार ले लिया है, उसको आपने 7460 के साथ जोड़ा है, आपने यहां पे ये लेंथ कवर अप कर ली, लेकिन आपको पता है लैप भी प्रोवाइड करना है, वो 50D होता है, डी इज डायमीटर ऑफ बार, यानी आप यहां पे 1000 इसके साथ जोड़ दोगे।
आपको ये मिलेगा 8460 mm, ये वाला बार आपको 8460 mm का काटना है, ये वाला बार आपके पास 12 मीटर का है, आप क्या करोगे डायरेक्ट उसके बाद बीम में इसको यूज करोगे। आई होप यहाँ पे आपको ऑल थ्रू रिइंफोर्समेंट का कटिंग लेंगे समझ में आ गया होगा, और साइड पे आपको एग्जीक्यूट कैसे कराना है वो भी समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट है उसकी कटिंग लेंथ को निकालते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा रिइंफोर्समेंट है इसकी कटिंग लेंथ निकालेंगे। कैसे हम कटिंग लेंथ निकालेंगे उसको समझते हैं। यहाँ पे अपना दिमाग आपको यूज करना है, ड्राइंग तो मैंने सिखा दिया है आपको कैसे रीड करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉलम के सेंटर से जाना है 1000 mm, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, जो कॉलम का फेस है वहां से लेके यहां तक आपके पास जो लेंथ है वो है एलडी। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कटिंग लेंथ हम कैसे निकालेंगे, हम ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे, ये वाली डिस्टेंस वो हम कैसे निकालेंगे, 1000 हमारे पास है कॉलम के सेंटर से, हम कॉलम के हाफ यहाँ पे माइनस करेंगे, जो कॉलम है उसका हाफ हम माइनस करेंगे, कॉलम है हमारा 350 का, हाफ हो गया हम यहाँ पे 175, ये हमारे पास 825 mm आता है। हमने क्या किया है, यहां से लेके यहां तक ये निकाला है 825 mm। अब इसमें क्या ऐड कर देंगे, यहां से लेके यहां तक ऐड करना है वो है एलईडी 50D, 825 प्लस 50D, 50D इज डायमीटर ऑफ बार, दैट इज 825 प्लस 50D, 50 इंटू डी इज 20, ये हमारे पास आता है 825 प्लस 1000, वो हमारे पास आता है 1825 mm, यानी 1.825 मीटर यहां से लेके पूरी एक्स्ट्रा लेंथ आपको यहां तक डालनी है। इसी तरीके से यहां पे हमें एक्स्ट्रा लेंथ डालनी है, तो एक्स्ट्रा लेंथ हम कैसे निकालेंगे, यहां पे कुछ नहीं करना है, 1200 कॉलम के सेंटर से लेके यहां तक 1200 है, इसी तरीके से यहां तक है 1275, दोनों को ऐड करना है 2475 mm, यहां पे आपको कटिंग लेंथ जो आपको यहां पे 2 पे डालनी है। इसी तरीके से 3 पे आपको क्या करना है, 1275, 1775 दोनों को ऐड करना है, जो कटिंग लेंथ आपके पास आएगी वो आपको 3 पे डालनी है। इसी तरीके से यहाँ पे हम 4 की बात करेंगे, 1775 प्लस 1200 जो कटिंग लेंथ आएगी वो 4 पे डालनी है आपको। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम जंक्शन पे कैसे कटिंग लेंथ निकालेंगे, सेम यहाँ पे, लेकिन देखो वहां पे हमने जब कटिंग लेंथ निकाली थी, यहाँ पे हमने निकाली थी कटिंग लेंथ, लेकिन जो हमारा 1 था ग्रिड लाइन, ये हमारे कॉलम के सेंटर से पास कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये सेंटर से पास नहीं करता है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, यहाँ पे हम कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना है, यहां से लेके यहां तक हमारे पास एलडी है, कोई टेंशन नहीं है, ये है 50D, 50 × 20, दैट इज 1000 mm, यहां से लेके यहां तक हमारे पास 1000 mm की लेंथ है। अब हमें क्या करना है, यहां से लेके यहां तक ये लेंथ निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, टोटल यहां से लेके यहां तक हमारे पास 1000 है, हमने अभी देखा था ये वाला जो पार्ट है ये है 75 जो हमने कॉलम लेआउट प्लान में देखा था। अब हम क्या करेंगे, 1000 में हम जोड़ देंगे 75, ये बन जाएगा 1075 टोटल, यहां से लेके यहां तक हमारे पास है 1075। अब हम क्या करेंगे, कॉलम के साइज को माइनस कर देंगे, तो हम यहां पे पहुंच जाएंगे, यहां से यहां तक हमको मिल जाएगा, इसमें हम ये वाला हिस्सा जोड़ देंगे, तो यहां पे हम करेंगे 1075 माइनस 350, 725, यानी यहां से लेके यहां तक हमारे पास है 725, इसमें हम ऐड कर देंगे डेवलपमेंट लेंगे 1000 प्लस ऐड कर देंगे इसमें 1000, ये हमारे पास आएगा 1725 mm, यानी 1.725 meters। अब मैं आपको यहाँ पे बात बताऊंगा, ये जो आपने कटिंग लेंथ निकाली है उसके हिसाब से आपको बेंड डिडक्शन करना है। हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे हमारे पास एक ही बेंड है, तो एक बेंड के लिए हम बेंड डिडक्शन कैसे करेंगे, 90 degree बेंड है, तो 2D माइनस करेंगे हम, 2 × D इज डायमीटर, दैट इज 20, 2 × 20 इज 40, तो इस लेंथ में से आप 40 mm माइनस करोगे। अगर आपके साइड पे बैंड डिडक्शन फॉलो होता है तो आप बैंड डिडक्ट करोगे, अगर नहीं फॉलो होता तो आप बैंड डिडक्ट नहीं करोगे। आई होप टोटल कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी, लेक्चर भी काफी लेंथी हुआ होगा, लेकिन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।